देने। भगत प्यारे तेरी अखियां दे तारे सदा बोल देनी तेरी जय जयकारे, सदा बोल देनी तेरी जय जयकारे। मां बावे विच रहण वालिए। जय मां डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। यहाँ पर एक माँ बाबे वाले की बैंड रिलीज़ की जा रही है, माँ बाबे बिच रहण वाली है। जम्मू के बेहतरीन कलाकार यहाँ मौजूद हैं। भाजपा परिवार के काफ़ी सारे सदस्य मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। सबसे पहले हम आपको मिलाएंगे अश्विनी जोगी जी से। ये अश्विनी जोगी जी हैं, इन्होंने ये गाना खुद लिखा है और खुद ही गाया हुआ है। पाजल जी डोगरा जी हमारे साथ हैं, अमित जी हैं, अजय जी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अश्विनी जी से। अश्विनी जी से आपको कैसे प्रेरणा मिली इस गाने को बनाने की? जी सब तो पहला साढ़े गुरु जी श्री अजमेर सिंह जी, उन्हें काफ़ी सपोर्ट है और मम्मी पापा दी उन्हें भी बहुत सपोर्ट है और साढ़े चाची चाचा जी जिन्हें घर इस वेले असी लाई बैठे हाँ जी, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट है और अदर साढ़े जेडे फ्रेंड सर्कल है मेरे कलाकार दोस्त ने सारे सपोर्ट करते हैं। तो अज काफ़ी खुशी हो रही है मैनू कि जड़ा एक मैं काफ़ी देर तो सोचता ही कि मैं एक भजन कड़ा भजन कड़ा वह माता रानी ने अज मुकाम जड़ा मैनू दे दिता है। तो मैं चाहना कि सारे ने मैनू वध तो वध शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट के अगर कोई गलती हो भजन के भी मैं दस सकते हो क्योंकि मैं नैक्सट टाइम वो जी गलतियाँ सुधार सकता। रफ्तार जम्मू के माध्यम से जम्मू के जितने भी लोग हैं जो बाबा वाली बातों को मानते हैं उनके लिए दो लाइनें इस गाने की जी, जो अभी आप रिलीज कर रहे हैं। बावे मंदिर सजाया मादा आसन लगाया, बावे मंदिर सजाया मादा आसन लगाया, सदा बोलते नी तेरी जय जयकारे, सदा बोलते नी तेरी जय जयकारे। माँ बावे विच रहण वालिए तेरे भगत लगोंदे जय जयकारे, माँ बावे विच रहण वालिए। अश्विनी जोगी जी की आवाज़ में आपने ये गाना सुन लिया जो आज यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे उस्ताद जो इनके गुरु जी हैं अजमेर सिंह जी के ब्लेसिंग और माता पिता जी के ब्लेसिंग से आज इन्होंने ये गाना निकाला है। लाडी सिंह पुरिया जी जो पंजाब से हैं उन्होंने ये गाना कंपोज किया हुआ है। कुमार गौरव जी ने इसको म्यूज़िक दिया है और राहुल दत्ता जी जिन्होंने इस गाने का वीडियो किया है। इस तरफ देखिए आप भाजपा परिवार के काफ़ी सारे सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्रनाथ जी क्या कहना चाहेंगे इस भजन को लेकर? आज सबसे पहले मैं हमारे यहाँ पर पधारे हुए सभी कलाकार और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेतागण यहाँ पर आए हुए हैं सभी को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि जो आज भजन लॉन्च किया जा रहा है माँ बावे विच रहण वालिए वो अश्विनी जोगी जी ने इसको गाया हुआ है, उनको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और जम्मू कश्मीर की और हमारे वार्ड नंबर 7 जम्मू ईस्ट के सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है कि इस गाने को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें ताकि हमारे कलाकारों का हौसला और बढ़े और इससे भी अच्छे अच्छे भजन वो आगे और पेश करें। सर जम्मू के कलाकार हैं आप, बेटा यहाँ पर रिलीज़ हो रही है जी, कोई अपने मन के बात रखिए। सर देखिए मेरा छोटा भाई मास्टर अश्विनी जोगी जी बहुत ही सुरीले कंठ के मालिक हैं, तो जितने भी जम्मू वासी सबको मैं यही कहता हूं कि मेरे भाई को जो भजन माँ बाबे वाली का, क्योंकि कोरोना COVID-19 जो पिछले साल भी और इस साल भी बहुत ज़्यादा हुआ लेकिन माँ बाबे वाली ने हमारे जम्मू की पहले भी रक्षा की हुई है और आज भी रक्षा कर रही है, हमेशा करती रहेगी। तो जो माँ बाबे वाली का जो भजन आया है मेरे भाई अश्विनी जोगी का, माँ बाबे वाली विच रहण वाली है, माँ बाबे वाली की रक्षा करेगी और उस भजन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं जम्मू की जनता को यही कहना चाहता हूँ, जय माता दी, जय माता दी। इस तरफ देखिए अनिल गुप्ता जी खड़े हैं भाजपा परिवार की तरफ से, हर एक प्रोग्राम में आपको दिखेंगे लेकिन बोलते कम हैं, आज हम इनसे ही पूछेंगे। सर कहिए कुछ। आज जिगेश जी द्वारा इसके कैसेट का आयोजन किया जा रहा है,
प्लस उनकी जो बेटा है माता बावे वाली रहने वाली है उनका जश्न किया जा रहा है। जम्मू ईस्ट की पूरी टीम जहाँ पर उपस्थित है उनकी हौसला अफजाई के लिए जहाँ पर उपस्थित है और माता जी से प्रार्थना करते हैं कि उनका आशीर्वाद इन पर बना रहे और ये इससे भी अच्छी अच्छी बेटे प्रस्तुत करें। आजल जी, हाल ही में आपका गाना एक रिलीज़ हुआ है, आप लोगों ने सुना होगा यार मेरा तितलियाँ वर्गा, उसी को इन्होंने चंडी माता का मतलब उसका वर्जन कर दिया है, सिर्फ उसके लिरिक्स चेंज कर दिया, दोनों वही है, दो लाइनें उसमें। हाँ ज़रूर, सबसे पहले मैं थैंक्स करती हूँ ARJ प्रोडक्शन, बहुत अच्छा व्यू जा रहा है, अभी हफ्ता हुआ है मेरे को चढ़ाए हुए, बहुत ही अच्छा व्यू जा रहा है। और जम्मू वालों जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, जिन्होंने मेरे को सबसे ज़्यादा जम्मू वालों ने सपोर्ट किया हुआ है, और दो लाइनें इसकी। मेरी पाडर वाली नु जग जानदा, मैं इधर चंडी माता छड़ना, कदे इस दर ते कदे उस दर ते, दर चंडी मैयादा नी लभना, दर चंडी मैयादा नी लभना। थैंक यू, बहुत बेहतरीन बहुत देते हैं। अश्विनी जी आपसे बात करेंगे, जम्मू के लोग कारक सुनना बहुत पसंद करते हैं, तो आपको तो विरासत में मिली है, मतलब आप कंठ में आपके तो दो लाइनें कोई कार की बाबे वाली माता में सुना दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलो जी, मेरे गुरु जी की गाई हुई कारक मैं सुनाऊंगा दो लाइनें। हा काली हाथ खंडा साजे, तू काली कृपान, तू काली कृपान, काली हाथ खंडा साजे, मां बावे वाली ए तेरी जय जयकार, मां बावे वाली ए तेरी जय जयकार, काली निकली काल करन को करे बैरी दानाश, काली निकली काल करन को करे बैरी दानाश, ओ 360 जोगन आके चलिए काली दे नाल, काली हाथ खंडा साजे, तू काली कृपान, तू काली कृपान, काली हाथ खंडा साजे। करण माता जी, करण सिंह जी परवीन अरोड़ा जी, बोलिए बोलिए कुछ बोलिए। आज यहाँ पे माता का भजन रिलीज हो रहा है, बाबे वाली माता का, सारा जम्मू बाबे वाली माता को मानता है। इस समय आपने देखा कि यहाँ पे जो कलाकार खड़े हैं उन्होंने पूरा यहाँ का माहौल भक्तिमय कर दिया हुआ है, कुछ कहिए। आज हम वार्ड नंबर 7 में सुरेंद्र आनंद और संगीता आनंद के घर आए हुए हैं। यहाँ के एक कलाकार है अश्विनी जोगी जी, जिन्होंने एक भजन रिलीज़ किया माँ बावे विच रहन वाली है। हम लोग कहते हैं जो बच्चे इस देखो आजकल जो भी बच्चे नशा मुक्त में लगे हुए हैं कि कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ रख रहे हैं, उनको देखो, ये भी आप जैसा लड़का है जो कि अभी बावे वाली माता के वो जो भजन गा रहे हैं। हम सभी बच्चों को यही कहते हैं कि आप भी भजन के तरफ जाइए और गलत रास्ते पे रास्ता छोड़ दीजिए। और मैं आपके माध्यम से यही जम्मू वालों को कहती हूँ कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, जिससे इनका जो उत्साह और बढ़े और आगे से ये और अच्छे अच्छे भजन गाएं और हमारे जम्मू का नाम रोशन करें। ये थे भाजपा परिवार के सदस्य प्रवीण अरोड़ा जी का कहना है कि हमारे जो जम्मू के युवा पीढ़ी है वो अपनी उनके अंदर जो कला है उसे बाहर निकालें। LG साहब ने ही भी कह दिया हुआ है कि बहुत जल्दी इनको प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, फिल्म सिटी बनने वाली है, प्रोडक्शन हाउस बनने वाला है और जम्मू को एक उच्च दर्जे का शूटिंग स्थल बनाएंगे। गवर्नर साहब ने ये हमें दिलासा दे दिया हुआ है और जल्द ही शायद ये बात सामने आ जाएगी। तो एक बार फिर मैं ARJ प्रोडक्शन और इन सभी कलाकारों का धन्यवाद करता हूँ कि आप सबने रफ्तार जम्मू के लिए अपना वक्त निकाला और हम भी आपके यहाँ पे रिलीजिंग पे आए। आगे भी शाना बशाना हम लोग आपके साथ चलते रहेंगे, इसलिए दोबारा इस तरह की स्टोरीज आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए रफ्तार जम्मू। जय जम्मू, जय भारत।